तो दोस्तों मैंने सारी क्लिप आगे डाल दी है, ये थोड़ी सी 1 मिनट की बात मेरी सुन के फिर आगे की वीडियो को पूरा जरूर देखें। हम गए थे चंडीगढ़ के 42 पार्क में, 42 के पार्क में गए थे, जो कि मैं पहले बहुत बार जा चुकी हूँ, तो ऐसा कुछ कभी मैंने देखा नहीं। इतना थोड़ा बहुत देखा था, बट जैसे आगे साइड पूरा एरिया खुला है, फिर बीच से ना बहुत बड़े बड़े पेड़ खड़े हैं, पुल बना है, बीच से नाला है, पुल उस पार करके जाना, उस साइड मतलब पेड़ है, पेड़ के साइड में फिर से पार्क है, तो वो दिखता नहीं बाहर से, वो पुल ऐसे क्रॉस करके जाओगे तो उधर पार्क है। तो हम लोग गए कुछ वीडियो शूट करने के लिए, रील्स बनाने के लिए, तो आना को स्कूल से साथ में लेके गए, और वो वहाँ का माहौल कुछ इस तरह का था कि वहाँ बच्चे बहुत फैमिली वाले लोग थे, बट वो आसपास के हैं तो वो पार्क एक ही है वहाँ पे तो पास में, तो उनको मजबूरी है जाना, तो हम लोग अनकंफर्टेबल हो रहे थे, अच्छी वाइब नहीं आ रही थी। एक लड़का लड़की मतलब ऐसे बैठे थे, बातें कर रहे थे, और पता नहीं जो भी एक आदमी बहुत एज का, काफ़ी अच्छा, उनको चुपके से उनके पास में, उनको पता नहीं चला, ऐसे ऐसे मतलब ऐसे कांटे वाले पौधे थे, मतलब से झाड़ियों टाइप था, गोल गोल से डिज़ाइन सा खूब अच्छा सा सजा के बना था, उसके बीच में लड़का लड़के बैठे थे, तो वो चुपके से वहाँ बैठ के ऐसे उनको देख रहा था और उल्टी सीधे हरकतें भी कर रहा था। तो हमने ये सब देखा, तो आना भी साथ में थी, उसने तो नहीं देखा, जैसे हमने उसको बीच में भी रखा था, अच्छे लोग भी थे, सब अच्छे ही होते हैं, मैं क्या कहूँ, कोई गंदा नहीं होता है, अपनी अपनी मर्जी, मतलब कि बच्चों पे गलत असर पड़ता है, अच्छा नहीं लगता, तो हम लोगों ने बोला नहीं यहाँ से जाना ही अच्छा रहेगा, तो हम ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाए, आगे साइड जो जहाँ खुला था एरिया, जहाँ पर लोग नॉर्मली बैठे थे, वहाँ पर थोड़ा बहुत शूट किया था, बट वहाँ पर ना बगल में कॉलेज है, मतलब लड़कों लड़कियों का, तो ज़्यादातर वो लोग आते हैं, और ऐसे तो देखो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जाओ तो अनकंफर्टेबल नहीं होता, बट फैमिली के साथ नहीं जाना चाहिए, हस्बैंड भी रहे फैमिली के साथ हम लोग नहीं जा सकते, बहुत अनकंफर्टेबल होता है, तो हम शूट नहीं कर पाए ज़्यादा, जो भी शूट किया उसको देख लेना और फिर हम चले आए, और बस इतना ही, और कुछ नहीं है ना, क्लिप क्लिप लगा के। गाइस मैंने बैक कैमरा ऑन किया था, फ्रंट कैमरा ऑन था, मैंने बैक तरफ से फोन पकड़ा था, बैक तरफ की वीडियो बन रही थी, मैंने इतना कुछ बना डाला, सब मिस हो गया, ध्यान देते ना। अरे यार मेरे साथ ही क्यों होता है ऐसा। तो गाइज आज ये सब मैंने क्या क्या बनाया था, मैम ने बोला अच्छे लग रहे, तो मैंने कहा थैंक यू मैम, की एनिवर्सरी थी, मैंने विश किया था, और एक बाहर में खड़ी होके ना मैं तुम्हें मैं ब्लैक शीशे थे फेस दिख रहा था, मैं ऐसे ऐसे कर रही थी, अंदर एक भैया भैया के तो निकल पड़े और ये सब ना मैंने मूवी में देखा था, ये रियल में हो गया ना मेरे साथ। और ये मैम तब तक आ गए, तब जैसे मैं पहुंची ना वैसे आप भी आ गए, मेरे को वेट नहीं करना पड़ा बिल्कुल। अच्छा हाँ, तभी आहाना को लेने जा रही हूँ, आहाना की ख्वाहिश पूरी कर रही हूँ आज, वो कहती है सबके मम्मा पापा लेने आते, आप कभी नहीं आते, तो मैं आज उसको लेने जा रही हूँ, और बस कुछ नहीं, और क्या क्या हम करेंगे सब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, तो मेरे ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहना, और मैंने स्वागत नहीं किया अपने ब्लॉग में ना, वेलकम है मेरे ब्लॉग में, वेलकम मेरी दुनिया में, और जो जो करती हूँ वो सब दिखाती हूँ आज, ओके। और बस हाँ जी सीधा चलो, बाकी रह गया वो तो अब बन नहीं सकती वीडियो जो रह गई ये। चलो और गाइस मैं सच बताऊं मैम, मैं काजल लगाती हूँ ना तो मेरा सर दर्द होता है। अच्छा क्यों? मतलब आदत नहीं है ना मेकअप कर दो तो मेरा सर दर्द होता है, तो अभी सब कहते हैं तो मुझे भी अब अच्छा लगता है, मैं मेकअप में रहा करूंगी, पहले बस नहाया कहीं भी चले गए मुंह उठा के, तो मैं अकॉर्डिंग चलना पड़ता है टाइम, अभी हमने राइट प्लान। हाँ जी हाँ जी, मन नहीं करता मैम, पता नहीं क्यों मेकअप से ना ऐसे हो जाता है, सर सर पे चढ़ता है, हल्का सा बस लिपस्टिक करो, अब आदत नहीं है ना, आदत पड़ जाएगी तो नहीं होगा, अभी एकदम कंटिन्यू तो लिपस्टिक वगैरह लगा लूंगी, नहीं है जैसे फेस पे क्या, चलो कोई नहीं आज तो थोड़ा कर लिया, अभी सीधा ना, नहीं नहीं ऐसे ऐसे मुंह, हाँ जी मैं जब भी मैम मिलते हैं ना तो मैं इनसे पूछती हूँ, ये भी गोल्ड का है, ये भी गोल्ड का, क्योंकि ना मुझे मतलब सच बताऊँ मुझे नहीं पता चलता, मैं क्यों, मैंने एक दिन अचानक से पूछ लिया ना, वो ना फैंसी से इयर रिंग्स थे, तो इन्होंने मुझसे पूछा अच्छे लग रहे हैं पहन लो, मैंने बोला पहन लो, तो ये जब मैंने बाद में पूछा मैम ये गोल्ड के हैं, कहते हाँ, वो मुझे थोड़ा पास से मैंने देखा मुझे ऐसा लगा, कहते हाँ, तो फिर मैम कहते मेरे पास सारे गोल्ड के और सिल्वर की ही चीज़ें हैं ना, सारे गोल्ड इनको ऐसे आर्टिफिशियल शूट नहीं करती, तो वही मैंने अभी मैम ये भी गोल्ड का और सेट में पहन के आ गए हैं, ये साथ में है, ओके ठीक है, तो मैं इसलिए पूछती हूँ ना कि वैसे मैं तो पूछ लेती हूँ बाकी तो कुछ नहीं, वो भी गोल्ड के हैं ये सिल्वर के हैं, वो गोल्ड के ही सिल्वर के हैं, मतलब
वैसे ही पूछ लेती, मुझे अच्छा लगता है बस। और मैम सच बताऊँ मुझे आर्टिफिशियल अच्छे लगते हैं, मैं तो मैम गोल्ड खो जाता है। अभी मेरा मंगलसूत्र खो गया कान के पहले एक बार, नहीं अच्छा तो मुझे भी लगता है पर सूट ही नहीं करते तो मैं क्या करूँ ना। और मुझे आर्टिफिशियल अच्छे लगते हैं और मेरे पास इतना ज्यादा गोल्ड है नहीं। हाँ जी, और उतना शौक भी नहीं है, बाकी अच्छा लगता होना चाहिए, एट ए टाइम काम आता है, वही चीजें होनी चाहिए, अच्छी बात है। बट तो बहुत मेरे से ना दो बार गुम हो चुका मैम, इसका दोबारा बनता ही नहीं, नहीं बन पाता गोल्ड के रेट बहुत ज़्यादा। ये बात सच कही आपने, इसलिए तो मुझे आर्टिफिशियल ही सूट करता है। थोड़ा बहुत बना जो था वो भी मैंने खो दिया। सीधा सीधा चलना, जा रहे हैं हाना को लेने, बातें करते करते वो इंतजार कर रही होगी क्योंकि 12:50 पे छुट्टी होगी थी। और कितने बज रहे हैं अभी? 50 हो गए हैं, कहाँ है टाइम, कहाँ दिखिए, पर ये 5-7 मिनट पीछे है। ओह हो गए होंगे मेरे फोन में, तो चलते हैं अभी आहना को लेते हैं, फिर आपको ले सकते हो। ओके आहना को ले लिया मैंने। हेलो सर, आपको सरप्राइज आपके लिए, कौन आया है साथ में आपको, कौन लेने आया साथ में, सोचो सोचो सोचो, देखो आना को बताया नहीं ना मैंने, उनका सरप्राइज है। चलो अंदर चलो, चलो चलो जल्दी चलो जल्दी चलो, बैग निकाल दो। आना अपने फ्रेंड्स को आवाज लगा रही है, वो इधर ही से जाएगी अभी, आ रही आ रही है, देखो नहीं सुना उसने है ना, वो कभी कभी ऐसे ही करती है, पहले आवाज लगाते ना, कोई खाने की दुकान है तो देख लेना, मेरा गाड़ी में ध्यान देते। उसने ना स्कूल से निकलते ही बोला अच्छा आज लेने आए हो तो क्या दिलाओगे, नहीं जब भी लेने आती हूँ, नहीं बताया अभी हमने, ये राइट टर्न लेना ना पहले रास्ता। हाँ जी, उधर से ऐसे मोड़ के लोगे ना, ऐसे तो लोगे, नहीं ये नहीं लेना क्या उस साइड वाला, मतलब कि लेना यही रास्ता है बट उस साइड से लोगे ना, ये तो इधर को जाने का, नहीं तो अपने जाना। नहीं नहीं मैंने आपका बताया नहीं था उसको, मैंने बोला अच्छा। ना उसको दिखाया अचानक से कि सरप्राइज है अच्छा। वो ना जब भी मैं उसको लेने आती हूँ उसको दिलाती हूँ। हाँ, वो तो होते ही सभी। आज मेरा वैसे रह गया, मैंने अभी लड्डू वगैरह कोई घर में कहते हैं, मैंने कहा बना लूँ, मेरे ना फ्रेंड को मनु है ना, मिठाई का डब्बा देगी, मिठाई का डब्बा देगी बहुत सारा बड़ा सारा, उसके जेठानी की लड़की की शादी होगी, शादी शादी में तो बुलाया नहीं, तो मेरे हस्बैंड है ना उसकी शॉप से कुछ लेने गए, मुबारक अगले दिन वो मिठाई का डब्बा लेके आ गई, भाजी भुजी अगर ये ऊपर से खुलता ना तो बताऊं मैं क्या करती, सीट के ऊपर चढ़ती। देखो ये है ना रास्ता, ये है ना हमारा, तो ये वाला। हाँ जी मम्मी, अगर ये ऊपर से खुलता ना तो मैं बताऊं क्या करती, सीट के ऊपर चढ़ जाती हूँ। अच्छा आप किधर जाना है, सीधा ही चलो। ये देखो जो आपने बनाए, दो तीन पड़े थे वही ले आती, मुझे तो वो लड्डू क्या है, कोई लड्डू अच्छे नहीं लगे। अच्छा जल्दबाजी, मैं मैम के घर एक दिन गई थी, उन्होंने दो तीन तरह के लड्डू दिए ना अपने, पर मुझे जो इन्होंने बनाया था ना अपने हाथों से वो ही मुझे अच्छे लगे, मैंने बोला बस वही खिला दिया करो बाकी रह दिया करो। बनाते नहीं पर वो वाले ज्यादा अच्छे थे, रेडीमेड तो मैम देखो हम भी खा लेते हैं, ले आते हैं हाथ वाली चीज ना, मुझे यहाँ देखो इतनी अच्छी आती है। आना क्या खाएगी, क्या आप जाओ, मैं नहीं जा रही, आप दिला के आना, ज्यादा कुछ मत नहीं लेगी क्या ये बताना पहले, मैं दिला के ले आती नहीं, पहले ये बताओ यहाँ से लेना है कि यहाँ से मिल जाएगा ना, ये मिल तो जाएगा, क्या लेगा क्या लेगी। हाँ यहाँ से लेती है ये अपने पापा के साथ आई थी कितनी बार, तो क्या खाएगी आना, क्या लोगे बताओ, आप भी खा लो कुछ। नहीं मुझे नहीं खाना, इसको ही खाना है बस, फ्रेंड तो मेरे पूछा ना आंटी, हम ऐसा बेचारे ना जब भी हम जाते हैं ये रखना चाहिए, पूरा खर्चा करते रहते हैं। मम्मी मैं इतना मना भी नहीं करती, फिर खाना छोटी है कुछ ना उठ जाना, मैं जाऊं वहां पे ले आऊं सैंडविच ले लो एक, ये और गट्टी, चलो 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 चलो, एक नई चीज ट्राई करो, मैंने नहीं पिया, दो मिनट घर पे एक लड़की आती है पीछे पड़ जाती है, वही वही जब मैं ट्राई, मेरे हाथ कितने काले लग रहे,
ये इधर से मोड़ लेना, आगे से रास्ता है पार्किंग का है ये इधर। तो ये मैं ट्राई कर रही हूँ, हाना ने इतना सारा ले लिया जो कि बच्चों का तो है भी नहीं। है बच्चों का ही डाइजेशन के लिए होता है, लेडीज भी दिया है। अब नहीं लेना था, बहुत सुंदर लग रही हूँ देखो तो क्योंकि ना मैं हमेशा पागल जैसे। खा लो जो खाना है अपना, निकाल के पिकनिक कर लो। आना के शूज लाने भूल गई थी। सॉक्स उतार दोगे फिर अच्छे नहीं लगोगे बेटा, थोड़ी देर की बात, अभी घर जाना तुरंत पर आना ऐसे नहीं करते बेटा, मानते हैं बात, पागल बनने के। ये देखो यहाँ का लोकेशन कितना अच्छा हो रहे मैम बैठे हुए, बस हम धूप लेने आए हैं, बस धूप लेने आए हैं, घूमने आए हैं अपना। कभी कभी अच्छा लगता है आना यहाँ बैठ के खाना, तो खा लो आके आना यहाँ बैठ के खाना है, खा लो वहीं इनको देखो खा लो। आना अपना पिकनिक कर रही है, मैम यहाँ कुछ थोड़ा थोड़ा अभी मतलब ऐसे नहा के आगे टचअप कर रहे हैं और मैं वीडियो बना रही हूँ। मैंने बहुत कुछ सोचा था कि ये बोलूँगी, बहुत कुछ सोचा था कि ऐसे ऐसे बातें करूँगी आप लोगों से, बट सब भूल गई। क्या करने खा रही हो, गिरा दो, अब उठाना नहीं है। ये जो कपड़े पे गिरा है खा लो फिर। मैं खा रही सैंडविच और हाना क्या कर रही है, मैं देखो क्या इकट्ठा कर रही हूँ। मुझे घास के अंदर इतने छोटे छोटे फूल मिल रहे हैं। तेरे मेरे इतने सारे ये ही फूलों का लिफाफे में इकट्ठे कर रही हो, क्या करना है, क्या करोगी, चटनी बनाओगी? अच्छा इकट्ठे कर लो। आना को देखो क्या आना लिफाफा घूम गया पन्नी जिसमें वो जिसमें फूल इकट्ठे कर रही थी। हल्दी का नहीं है वो फूल उगते हल्दी कहाँ चला गया इतनी जल्दी लिफाफा, हवा चल रही इतनी तेज, अब नहीं मिलेगा बेटा, चलो रहने दो। ये यहाँ से फूल तोड़ खेल रही थी और तोड़ो और तोड़ लो बेटा। हम लोग आए थे कि सोचा कुछ रील्स बनाएंगे, बहुत हवा चल रही है मैम, कुछ कहना चाहोगे? तो और मैम मुझे बोलते हैं हमेशा सरदर्ज के रहा कर, तो अभी संगत का सर बढ़ रहा है, मैं भी थोड़ा लिपस्टिक वगैरह लगा के रहा करूँगी। नहीं पता आपको मेरे मूड अच्छा रहता है, मूड अच्छा रहता है, सही बात है, ऐसे रहती ना खुद को ही अच्छा अच्छा लगता है, जब मैं लगता ही खुद को भी बहुत अच्छा लगता है। मैं कैसे रहती हूँ, दूसरे भी खुश हो जाए हमें देख के तो क्या फर्क पड़ता है, बहुत अच्छे हैं। हाँ ना देखो कहाँ मजे कर रही वो, बहुत ज़्यादा है उसने उसका बेचारी के लिए फाफे घूम के। आपने वो सोचा वो सोचा हाँ है, मैं कहाँ जा, तुम लड़की हो मैं लड़की। हेलो गाइस ये देखो मेरी मम्मा को, स्लो मोशन में दिखा, कैसी लग रही हूँ गाइस मैं, अच्छी लग रही सुंदर। ये वाला ये इधर दिखाना बेटा कितना अच्छा है, इधर चले लोग हैं इधर इधर चले जाओ उधर दूर थोड़ी मेरी और मधुमेह की थोड़ी मेरे को, मैं तो अभी ऐसे और खुचा मेरे लिए कितनी अभी रुक जाए इनका चलने देना वो हम मैं लगाऊंगी ना मैं पिक्चर लगाऊंगी थोड़ा सा वो तो कर लेना थोड़ी एक जैसे वो चलते हैं ना स्लो मोशन में अपनी बात से अपना कोई गाना चल रहा होता है हां मैं समझ गई समझ गई मैं तो ऐसे रोड पे अच्छे से बैठी छोटी रुकी थी मैं खाना बहुत ही चाहना बहुत सारी चीज देना बस चला दो साइड 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 जाते हुए मुझे डर लग रहा है। उसको डर लगता है नीचे को क्यों देखती हो, डर लगता है तो ऊपर को देख के चलो चलो ऐसे जल्दी जल्दी चलो है ना गिरोगी नहीं। ये लोकेशन पे हम आ गए, मस्त साइड है मस्त है, चलो केरी में नहीं अब क्या खाना यार, खा पी रख भाई। तो इतना कुछ शूट नहीं किया क्योंकि बस मन नहीं कर रहा था और बस वैसी। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में ओके। हाँ ना